कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे मध्य में हमारे जिला के अध्यक्ष गोपाल जी, हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष शर्मा जी, हमारे दोनों विधायक राजीव जसरोटिया जी, भारतभूषण जी, डीडीसी हमारे वाइस चेयरमैन रघुनंदन जी, छतर सिंह जी हमारे इस संगठनात्मक पर्व के अधिकारी, इंद्रजीत जी हमारे स्पोक्स पर्सन, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, रेखा जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, मंच का संचालन करते हुए हमारे मध्य में मेहता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जिला के पदाधिकारी, प्रदेशों के प्रदेश के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, उनकी टीम, मातृशक्ति, दोस्तों, साथियों, बड़े विस्तृत रूप से आप लोगों के बीच में गोपाल महाजन जी ने कुछ विषयों को लेकर चर्चा रखी और इस विषय को आप लोगों के माध्यम से पूरा होना है, इस विषय को भी विचार करना है। राजीव जी अभी बता रहे थे कि हम लोगों ने ऑफलाइन मेंबरशिप की है, ऑनलाइन भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष जी के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि दो दिन का और आज का दिन, मैं गिलास में जब पानी होता है तो मैं उसको आधा खाली नहीं आधा भरा हो कहता हूं, अभी भी आज हमारे पास 12 बजे तक रात्रि का समय, तो इसलिए हमारे पास आज का दिन मिला के दो और दिन है और इन दो दिनों में जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने आप सबको दिया है कि जितने वोट हमने लिए उसमें से इम्प्लाइज के आप लोग कम किए, कम कर लीजिए और बाकी की मेंबरशिप आप लोगों को करनी है और इसके लिए आप लोगों को कार्य, ये दो तीन दिन का जो ढाई दिन का समय बचा है, जिलाध्यक्ष जी और जितने भी पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, लगभग 300 कार्यकर्ता हैं, 300 कार्यकर्ता अपने साथ मन में अब बांध लेंगे, 10 मुझे अपने साथ जोड़ने हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, 10 मातृशक्ति और जोड़नी है और वो 10 मातृशक्ति को अगर हम लोग मात्र ये कह दें कि 10 वोट, 10 मेंबर्स आप लोगों ने बनाने, 10 वोटर्स के घर में हम लोगों ने जाना, उनको पार्टी के साथ जोड़ना है, तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा नंबर जो है इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो सकता है और इसके लिए ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, और कोशिश करिए ऑनलाइन, ऑफलाइन में भी जब हम लोग फॉर्म भरते हैं, अभी मैं राजीव जी से बात कर रहा था तो वो ऑलरेडी मिस कॉल जो है वो दे चुका होता है और जो प्रयास आप लोगों के माध्यम से होना है, ये 15 तारीख के बाद आप लोगों की एक्टिव मेंबरशिप होगी, उसके लिए मनीष जी अलग से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, मेन बॉडी के साथ, और वही एक्टिव मेंबर जिन्होंने अपने अपने बूथ के ऊपर 50 लोग जोड़े होंगे वही एक्टिव मेंबरशिप मेंबर बन सकता है और वही मंडल की टीम में आ सकता है, जिला की टीम में आ सकता है, प्रदेश की टीम में आ सकता है, वही कार्यकर्ता जो है वो आ सकता है, ये मत सोचिए। और खासतौर पर जो भी हमारा कोई सीनियर है लीडर यहां पर रहता है और हमें लगता है कि वो स्थिति में नहीं है, उनके घर जाकर हम लोग खुद अपनी तरफ से 50 मेंबर अगर हम लोग अपनी तरफ से बना सकते हैं, ठाकुर रंजीत सिंह जी हैं, अगर उनके हम 50 मेंबर बना सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी बना सकते तो उनको हम लोग एक्टिव मेंबर बना सकते हैं, क्योंकि जरूरत है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो बुजुर्ग हैं चाहे वो नौजवान हमारी पीढ़ी जो स्वागत के लिए हेतु मेरे पास मंच के ऊपर आई थी, इन सबको साथ लेकर चलने का कार्य जो आप लोगों के माध्यम से होना है वो होना चाहिए। मित्रों आज जरूरत है, मैं क्या इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग घर घर में जाइए, कार्यकर्ताओं के घर में जाइए, आम लोग जिन्होंने आपको वोट दिए इनको घर में जाइए, उनके घर में जाइए, विधायक आप दोनों के जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी कठुआ और आज जसरोटा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां से हमारे दोनों विधायक जो है वो चुनकर आए और ऐसे समय में हर घर में आप जाकर उनका धन्यवाद कर सकते हैं और धन्यवाद करने के साथ साथ हम उनको प्रेरित कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। जितना डिफरेंस ये दोनों विधायकों के और जिला अध्यक्ष के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं
कि जितना डिफरेंस आप लोगों ने जो वोट लिए या आप लोग इतनी मेंबरशिप करोगे, वो डिफरेंस जो है आप सीधे तौर पर सोच सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और आप लोगों को जिताया। इसलिए आप प्रयास करिए लोगों के बीच में जो है वो जाइए। लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते थे। जिस वक्त मेंबरशिप की शुरुआत हुई थी उस वक्त पार्टी की तरफ से तय हुआ था कि 10 करोड़ लोगों को हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन आज तक जो कल रात्रि तक के आंकड़े थे 12 करोड़ के लगभग कार्यकर्ता आम जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उसमें हमारा भी अंश हो, हम लोगों का भी हिस्सा हो, जम्मू कश्मीर का भी हिस्सा हो। चुनाव तो हो जाएंगे, आधे हम लोगों को मेंबरशिप करनी है तभी चुनाव हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर जम्मू कश्मीर की इकाई ने हमारे पिछले अध्यक्ष अरविंद रैना जी ने जो टारगेट फिक्स किया था उस तक हम लोग जो है वो पहुंचने का प्रयास करें, मेरी एक ऐसी अपेक्षा है। मित्रों, देश की परिस्थिति आप लोगों के सामने, एक अच्छे वातावरण में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विकास विश्वास सबको लेकर जो देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जिस भी आम जनता के लिए मेरी स्कीम निकले उसका विकास हो, उसको विश्वास में लेकर उसके भी प्रयास उसमें शामिल हो। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब हम लोग लोगों के घर में जाएं और उनको भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार की स्कीमें हैं उनके बारे में बताएं, क्योंकि देश में ऐसे लोग भी हैं, राहुल गांधी सरीखे लोग हैं, सोनिया गांधी सरीखे लोग हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष सरीखे लोग हैं, जो नहीं चाहते कि देश जो है वो आगे बढ़े। आज भारत अगर हम लोग आर्थिक दृष्टि से बात करें तो पूरे विश्व में 5वें स्थान पर पहुंचा, अमेरिका चाइना उससे ऊपर है, 1 नंबर और 2 नंबर के ऊपर। और जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2027 में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और 2047 में जब वो बात करते हैं कि मेरा भारत जो है वो सर्वप्रथम होगा, विकसित देशों की श्रेणी में पहले होगा, तो क्या आप लोग सोच सकते हैं कि चाइना का भी चाहेगा? क्या भी आप सोच सकते हैं कि अमेरिका का भी चाहेगा? जॉर्ज सोरोस जैसे हंगरी में पैदा हुआ लेकिन अमेरिका में पला एक मिलियनियर सिर्फ इस विषय को लेकर लगा है कि किस तरीके से मैं देश के प्रधानमंत्री की छवि जो है उसको धूमिल करूं। उसी के लिए उनके माध्यम से प्रयास हो रहे हैं, कभी अडानी के साथ जोड़कर, कभी अडानी की को बैंकरप्ट करने की कोशिश के माध्यम से। आज मित्रों जरूरत में इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि भारत अगर आज यहां पर पहुंचा है तो भारत में रहने वाले लोगों के कारण पहुंचा है। भारत अमेरिका के कारण आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना। भारत ने कोरोना में बता दिया कि कोरोना में अमेरिका भी उनसे पीछे था, अमेरिका को भी क्लोरोक्विन बनाने मंगवाने के लिए भारत को कहना पड़ा कि हमें वो दवाई नहीं दी। आप इस वातावरण में जो आम जनता है वही मैटर करती है, आम लोग जो हैं, आम वोटर सपोर्टर सिंपथाइजर जो हैं वही मैटर करते हैं। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि इस देश का वातावरण अच्छा हो, पिछले दिनों में आपने देखा दोनों विधायक हमारे साथ में है ऊपर बैठे हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से इन्होंने असेंबली के ऊपर वो किया, हम सब जानते हैं, और किस तरीके का एक वातावरण इस प्रदेश में जो है वो मित्रों बनाया गया। एक डेवलपमेंट को लेकर सरकार की घोषणा होती है कि सरकार बनेगी, सरकार के माध्यम से हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होगी, सबका विकास होगा, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ इस तरफ था कि हमने वोट अगर 370 को हटाने के लिए लिए हैं तो लोगों को यह बताएंगे कि 370 हमने हटाया है। वो जानते थे कि जो कार्य जो रेजोल्यूशन उन्होंने लाया है वो एक बार पारित हो, 2 बार पारित हो, 100 बार पारित हो, वो रेजोल्यूशन कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो रेजोल्यूशन लाया, आनंद फानंद में यश लो के बीच में बगैर किसी डिस्कशन के उसको पारित किया। और जो वातावरण दूसरे दिन वहां पर बनाया गया, आप खुद सोचिए, कभी आप लोग ध्यान से सोचिएगा कि 370 का फायदा किसको था, 35A का फायदा किसको था। 370 का फायदा दोस्तों उन 100 परिवारों को था जिन्होंने आजादी के समय से लेकर और आज तक हमारे ऊपर राज किया।
वो सौ परिवार थे, वो चाहे कांग्रेस के थे, चाहे वो पीडीपी के थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, यही लोग थे जिन्होंने इस विषय का जो है वो फायदा लिया। लेकिन 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद अगर फायदा हुआ तो हमारे वाल्मीकि समाज को फायदा हुआ। बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, सफाई कर्मचारी बनते थे। गोरखा समाज को फायदा हुआ जो हमारी रक्षा के लिए महाराजा ने पंजाब से यहां पर लाए थे, नेपाल से यहां पर लाए थे। वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों को फायदा हुआ जिनके बच्चे ना नौकरी ले सकते थे, ना पढ़ सकते थे, ना कहीं बड़ी पढ़ाई के लिए जम्मू कश्मीर में कोई दाखिला ले सकते थे। 35 से हटने का फायदा हुआ हमारी मातृशक्ति को, जो मातृशक्ति बच्चियां हमारी शादी करके इस हमारे प्रदेश से बाहर जाती थी उनका हक छिन जाता था। 35 से हटने के बाद उनको उनका हक मिला है। आप सोचिए कि क्या करना चाहती है नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस उनका साथ दे रही है, पीडीपी उसका साथ दे रही है, और ऐसे वातावरण में जरूरत है लोगों के बीच में जाने की, लोगों को बताने की, प्रधानमंत्री जी के कार्य बताने की, और वो जो योजनाओं के साथ काम कर रहे हैं उन योजनाओं को बताने की कि क्या करना चाहता है राहुल गांधी। क्यों जॉर्ज सोरस को लेकर यहां पर पूरे देश भर में फिर रहा है, क्यों चाइना के इशारे पर राहुल गांधी काम कर रहा है। ये मित्रों वो लोग हैं जिनके लिए देश का हित पहले नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी देश के हित के बारे में बात नहीं की। कांग्रेस ने अगर देश के हित में बारे में बात की होती तो 1947 में भारत के दो टुकड़े कभी नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री को चाहिए था कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री बनूं, और जिसके चलते भारत के टुकड़े हुए, और वही पोत, वही जो नींव आगे उस वक्त रखी गई थी आगे चलती चलती उन पीढ़ियों तक पहुंची है जिनके लिए देश का हित पहले नहीं, उनके लिए अपना हित पहले है, उसके बाद अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं, और देश का हित बाद में। उनके लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि भारत आगे बढ़े, उनके लिए यह मायने रखता है कि चाइना आगे बढ़े, अमेरिका आगे बढ़े। और उस समय में ये जो हमारे 300-400 कार्यकर्ता बैठे हैं, ये इनके ध्यान में लाने की आवश्यकता है कि यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके आप मेंबर के तौर पर जुड़े हो, जिसके आप एक्टिव मेंबर बनने जा रहे हैं। इस एक्टिव मेंबरशिप के माध्यम से आप लोगों के ध्यान में आएगा कि हमारे लिए, पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे देश का हित सबसे पहले, मेरी पार्टी का हित उसके बाद है, और मेरा हित जो है वो बिल्कुल अंत में है। मुझे अपने बारे में नहीं सोचना, मेरा देश आगे बढ़ेगा तो मैं स्वयं जो है वो आगे बढ़ूंगा, और वो तभी हो सकता है कि जब हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे, आउटरीच करेंगे। हमारे विधायक भी आउटरीच करेंगे, और हम लोगों ने अपने विधायकों को बताया है कि बड़े कार्य वही करने हैं जो लोगों को, जो लोगों के हित में है, और उसी को लेकर फर्स्ट डे सभी विधायकों की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष माध्यम से बता दिया गया था कि लोगों के बीच में जाना है, उनकी दुख तकलीफें सुननी है, उनके साथ जुड़ना है, ताकि जो वातावरण देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि लोगों को डोर स्टेप के ऊपर उनकी समस्याओं को सुना जाए, उसका हल हो। मेरा कैसा मानना है, मैं जिलाध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, और सभी हमारे वक्ता, अब पहली बार आया तो डेफिनेटली सभी लोग चाहते होंगे मैं बोलूं, लेकिन रास्ते में किसी कार्यकर्ता, उनके पिताजी की मृत्यु हुई है, उसके लिए मुझे जाना था, तो मैंने कहा राजीव जी बाद में सबका धन्यवाद कर देंगे, तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत करीब जो भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आज यहां पर एकत्रित हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। पुराने चेहरे पीछे शिशु जी बैठे हुए हैं, हमारे मंडलों के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे डीडीसी मेंबर, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, इन सबको भी मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से पार्टी का विकास होगा, पार्टी जब आगे बढ़ेगी तो हमारा देश भी जो है वो ऑटोमेटिक आगे होगा, और हम देश को सर्वप्रथम मानकर कार्य करें, ऐसी प्रेरणा के साथ आप सबको साधुवाद। जय भारत।